एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक निधोली कला में स्थित बड़ा गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 6 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 8 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने जितेंद्र यादव को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 5,000 की आबादी एवं 3600 वोटों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 350 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल लगभग 340 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंप रिपोर्ट कराया है। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 250 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 3 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 आवासों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान बुला रहा हूं जितेंद्र यादव, ब्लॉक निधोली कला, जिला एटा। जो मैंने 3 साल में 2.5 साल के कार्य में जो कार्य कराए हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। 3 इंटरलॉकिंग कराई हैं, 2 RCC कराई हैं, गांव के लिए जल निकासी कराई है। जो कम से कम 25-30 साल पानी समस्या थी वो 2 जगह समस्या आ रहा है। और कुछ जमीन कब्जा मुक्ति भी कराई है, जो ग्राम समाज की वो थी वो भी कराई है। 100 से अधिक शौचालय भी बनवा दिए हैं और शेष पर कार्य चल रहा है। और जैसे कि मैंने नाला भी खुलवाया है गांव में पंचायती जल निकासी के लिए, तालाब भी खुलवाया है, पंचायत घर की मरम्मत भी कराई है, प्राइमरी स्कूल में टाइल्स भी लगवाई हैं। ये तो मेरा कार्य रहा है 2.5 साल का, 2.5 साल की पंचवर्षीय का। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर और 9 आवास दिलवाए हैं, और ये मुझे सरकार से ये उम्मीद है कि शायद 2.5 साल की पंचवर्षीय में मुझे और आगे बढ़ने के लिए साथ कुछ विकास और अधिक पैसा मिले, तो शायद मेरे जो पंचायत के या पंचायत में बाधा करके आया हूँ तो सफरी पूरे। CC जैसे कुछ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। मैं ये चाहता हूँ सरकार से, जो चाहता हूँ कि ये लाभ मिले मुझे। और गांव की आबादी के वोट की हिसाब से पैसा बहुत कमा रहा है, जो कि गाँव के में पंचायत के बाधे पूरे सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पैसा मेरी पंचायत के आबादी के हिसाब से पैसा बढ़ के आना चाहिए। मैं ब्लॉक निधोली कला से प्रधान संघ का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं प्रधान भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अगर जैसे जितेंद्र चौधरी का सपना है प्रधान संगठन का, ऐसे ही मैं चाहूँगा कि ब्लॉक भाई अपने स्तर से सभी प्रधान भाई संगठन के लिए सहयोग करें। और सहयोग नहीं करेंगे, संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई सुनवाई कहीं अधिकारी कोई कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपको अपनी सुनवाई करनी है, अगर आपको मजबूत बनाना है, तो प्रधान भाई सब संगठन को मजबूत बनाएं, ताकि हम अपने दिल की बात या कोई विकास पब्लिक में समाज में अपनी बात रख सकें। आज की तारीख में सबसे जो मजबूर है या कमज़ोर कहें वो ग्राम प्रधान है। वैसे राजनीति में आगे पंचवर्षीय में और उस राजनीति में आगे सबसे कड़ी राजनीति मजबूत कड़ी प्रधान की होती है। फिर जो प्रधान भाई संगठन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आज की तारीख में सबसे कमज़ोर जो संगठन है वो प्रधान संगठन ही कमज़ोर है, प्रधान भाइयों की वजह से। जैसे कि हमारे जितेंद्र भाई जितेंद्र चौधरी लगे हुए हैं, तो उनकी हम जो जंतर मंत्र पर गए तो वहाँ जाने से हमको बहुत लाभ मिला। जो हमारी 2011 वाली वो सूची आवास वाली सूची पात्रता वाली, और हम लोगों ने मांग उठाई तो वो हमारी यहाँ आके हमारी सुनी गई और मांग पूरी हुई एक बार जाने। जैसे कि हमारा मानदेय 3500 रुपये चल रहा है, आज की तारीख में देखो विधायकों का MPO का कितना वेतन चल रहा है, वो भी पंचायत से जुड़े हुए, उनका भी चुनाव 5 वर्ष का है और हमारी 5 वर्ष का है। तो हमको या तो मानदेय बढ़ाया जाए या वेतन के जरिए वेतन की तरह किया जाए।